जबकि पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड कुछ ही मंथ्स में रिलीज होने वाला है एंड पोकेमॉन कंपनी हर मंथ कुछ ना कुछ रिवील कर रही है इसके बारे में, तो आज हम लोग अभी तक रिवील किए हुए टॉप 20 पोकेमॉन्स के रैंक करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 20 गॉसिफ्लर। ये नंबर 20 पे इसलिए है क्योंकि मुझे इसकी डिज़ाइन उतनी भी अच्छी नहीं लगी एंड अभी तक तो स्टैट्स नहीं आए हुए हैं, इसलिए इसके बारे में और भी कुछ बुरा नहीं कहा जा सकता है, बट अभी तक रिवील किए हुए स्वॉर्ड एंड शील्ड पोकेमॉन्स में ये वर्स्ट है। नंबर 19 एल्डेगॉस। ये गॉसिफ्लर का इवोल्यूशन है बट इसका लुक मुझे तो गॉसिफ्लर से बुरा लग रहा है, लेकिन इवोल्यूशन होने के कारण इसकी स्टैट्स एंड पावर तो बड़ी ही होगी, पर ये भी गॉसिफ्लर की तरह ही वर्स्ट लिस्ट में है। नंबर 18 रॉलीकॉली। इसकी लुक तो और भी ज़्यादा अजीब है, पर मेरे ख्याल से ये अगर इवॉल्व होगा तो स्ट्रांग जरूर होगा। ये लिस्ट में इतना नीचे ये सिर्फ और सिर्फ अपने लुक एंड एबिलिटीज के कारण नहीं है, क्योंकि ये कुछ अलग या खास नहीं है। नंबर 17 गैलेरियन वीजिंग। इसकी टाइप तो अच्छी है बट इसकी लुक तो हद से ज़्यादा बेकार है। नंबर 17 पे ये सिर्फ और सिर्फ अपने यूनिक टाइपिंग के कारण है और न्यूट्रलाइजिंग गैस जो इसकी न्यू एबिलिटी है उस पर भी ध्यान देने वाली बात होगी। नंबर 16 गैलेरियन ज़िगज़ागून। यूजुअली इट हैव अ नाइस लुक बट लुक के अलावा इसमें कुछ उतना खास नहीं है, और एक फैक्ट भी है इसके बारे में कि गैलेरियन ज़िगज़ागून ही रियल ब्रीड है ज़िगज़ागून का, और जो ज़िगज़ागून हम लोगों ने हॉर्न रीजन में देखा था वो यही से स्प्रेड हुए है। नंबर 15 वुलू। ये शिप पोकेमॉन क्यूट तो है बट आई डोंट थिंक इट हैव अ गुड स्ट्रेंथ, बट आई थिंक इसकी फैन रेटिंग इसके लुक के कारण थोड़ी सी ज़्यादा होगी, दैट्स वाई ये 15 पोजीशन पे है। नंबर 14 एल्क्रीम। ये पोकेमॉन कम और आइसक्रीम ज़्यादा लग रहा है। इसकी लुक तो खराब नहीं है पर कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पावरफुल तो ज़रूर होगा। नंबर 13 यैम्पल। इसकी टाइप एंड मूव्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बट लुक के मामले में ये काफ़ी लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाया, दैट्स वाई ये इस लिस्ट में 13 पोजीशन पे है और उससे ऊपर नहीं आ पाया, पर अगर इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी होती तो ये लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर तो जरूर आता। नंबर 12 गैलेरियन लिनून। ज़िगज़ागून की तरह भी इसकी भी लुक अच्छा है बट यूजुअली इसके मूव्स बेटर नहीं है और अपने लुक के कारण ही ये लिस्ट में ऊपर है। नंबर 11 इम्पिडिम। इसकी टाइप के कारण ही ये ओपी है और इसके लुक भी कुछ खराब नहीं है, पर देखने वाली बात तो ये होगी कि ये परफॉर्मेंस कैसा करेगा गेम्स में, दैट्स वाई इम्पिडिम नंबर 11 पे है। नंबर 10 मॉर्पेको। फॉर्म चेंजिंग एबिलिटी इसको थोड़ा यूनिक बनाती है बट अगर इसका कलर कुछ और होता तो इसकी अपीयरेंस भी अच्छी बन जाती है, बट तब भी मुझे ये पोकेमॉन अच्छा लगता है। नंबर 9 ड्रेडनो। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस ने ही सभी को इम्प्रेस कर दिया था। टाइप डिज़ाइन एंड एबिलिटी अभी तक तो सब चीज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, दैट्स वाई ये 9th पोजीशन पे है, पर इसको 9th पोजीशन से ऊपर नहीं रखा गया क्योंकि इससे भी अच्छे पोकेमॉन्स इस लिस्ट में आगे है। नंबर 8 ड्यूरालूडन। इसकी बेस्ट थिंग तो इसकी टाइप है एंड देखने में तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर लेट्स सी आगे ये कैसा परफॉर्मेंस करता है। नंबर 7 ग्रुकी। गैलर रीजन का ये ग्रास स्टार्टर अच्छा तो है पर उतना भी अच्छा नहीं, पर जब तक इवोल्यूशंस नहीं आते तब तक कुछ और कहना तो पॉसिबल नहीं है ग्रुकी के बारे में। नंबर 6 कॉर्विनाइट। ये सबसे स्ट्रांग फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है एंड इसकी लुक भी बिल्कुल बैडास है, पर कुछ पोकेमॉन्स इससे ऊपर प्लेस डिजर्व करते हैं, इसलिए नंबर 6 पे है। नंबर 5 स्कॉर्बनी। फैंस का फेवरेट गैलर स्टार्टर है ये एंड स्पीड तो इसकी कमाल की है एंड लुक तो इसकी डिसेंसी है, बट ये भी किसी से कम नहीं है। नंबर 4 सोबल। फैंस इस पोकेमॉन को तो हेट करते हैं, पर ऐसा क्यों? मेन रीजन तो ये है कि ये पोकेमॉन डरा डरा रहता है, पर फिर भी मेरा फेवरेट गैलर रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन है ये एंड आई होप कि ये बेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन बने। नंबर 3 ऑब्स्टगून। इसकी लुक तो कमाल की है एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर बात करें इसकी स्ट्रेंथ की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी बिकॉज ये 3rd स्टेज पोकेमॉन है, एंड तुम लोगों क्या लगता है इस पोकेमॉन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बोलना। नंबर 2 जैशियन। बहुत सारे लोग अभी ऑफेंड हो गए होंगे क्योंकि जैशियन नंबर 1 पे क्यों नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि जैशियन की लुक जैमेजेंटा से अच्छी है, बट मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि जैशियन बुरा है, जैशियन भी अच्छा है और इसके स्टैट्स आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन बेस्ट है। नंबर 1 जैमेजेंटा।
इसकी जो दूसरी फॉर्म है उसमें तो इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड ऐसे लग रहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन में आने वाला है। वैसे तुम लोगों क्या ख्याल है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में पक्का बताना एंड डोंट बी ऑफेंड फ्रॉम दिस वीडियो बिकॉज ये सिर्फ मेरी ओपिनियंस थी। एंड वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो पे लाइक हिट करके ही जाना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन दिस इज पोकेमॉन गैलेक्सी साइनिंग आउट।